हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू वीकली फोरकास्ट फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd of April 2018। गाइस, माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन एंड नॉट फॉर जॉडिक साइन। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंट फ्रॉम 16th अप्रैल 2018 टू 22nd of April 2018। गाइस, आपके लिए 19th अप्रैल से आपके 7th हाउस में वीनस का ऑन साइन में ट्रांजिट आपकी डेली इनकम को बढ़ाएगा, आपके फाइनेंसिस को अच्छा करेगा, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको दिलाएगा, नई पार्टनरशिप दिलाएगा, शॉर्ट जर्नी दिलाएगा। 6th हाउस में आपके सन का एग्जाल्टेड होना आपके लिए आपका 10th हाउस का लॉर्ड अपने से, अगर हम कैलकुलेट करें कि किस हाउस का स्कॉर्पियो असेंडेंस में सन लॉर्ड है, तो स्कॉर्पियो असेंडेंस में सन 10th हाउस का लॉर्ड है, अपने से 9th हाउस में जाकर एग्जाल्टेड हो रहा है। गाइस, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको कोई हेल्थ डिसीज़ है वो रिमूव होगी, किसी किस्म के हेल्थ इश्यूज़ पिछले समय से बनते आ रहे हैं वो आपके ख़त्म होंगे, मेडिसिन चल रहा है तो वो बंद होगा। आपके लिए वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक इज़ हाईली रिवार्डिंग एंड बेनिफिटेड फॉर यू। वीनस का आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट नेक्स्ट 25 डेज के लिए 19th अप्रैल के बाद आपका गुड फॉर्चून आपके लिए स्माइल करेगा। आप किसी भी काम में एफर्ट्स करेंगे, आपको बहुत अच्छा पे ऑफ मिलेगा। सन का आपके 6th हाउस में ट्रांजिट एक्साल्टेड पोजीशन में नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके फॉर्चून में आपको लाइमलाइट में रखेगा, आपके हेल्थ डिसीज से आपको दूर करेगा, आपकी फादर की आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। मार्स और ट्रांजिट का कम्बिनेशन आपके 7th हाउस में फैमिली एटमोसफेयर को जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, लेकिन फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे करेगा। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।